अभी आपको बहुत अजीब फैक्ट लगेगा, ठीक है। क्या आपको पता है कि आपके घर में जो नींबू आता है और जो ऑरेंज आता है या कोई भी सिट्रस फ्रूट आता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये सब जो हमारे घर में आता है ना, वो मैन्युअली बनाया गया है। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ लैब में, मतलब समझो जो नेचर देता है उससे हम लोग कई तरह का हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं। मतलब दो प्लांट को मिक्स करके एक प्लांट को हम लोग जन्म दे देते हैं और वही दुनिया भर में उगाया जाता है और उसे हम लोग खाते हैं। पर उसका बाप, मतलब उसका ओरिजिनल क्या क्या मिक्स करके वो बना है, उसका चार्ट ये देखो, इंटरेस्टिंग सा चार्ट। जो आपके घर में ऑरेंज आता है वो पैमेलो और मैंडरिन से मिलके बनता है। मतलब ऑरेंज जब नहीं था इस दुनिया में तब यही दोनों थे, पर साइंटिस्ट को लगा कि चलो इसको मिलाकर हम लोग एक नए पेड़ को जन्म देते हैं और उसे पूरे दुनिया में फैला देते हैं ताकि हर जगह वो पेड़ जमे और वही चीज ऑरेंज बना और वही हम लोग घर में आता है। पर इसका बाप जो है वो पमीलो और मैंडरिन ही है। और लेमन की बात करें, नींबू, यहाँ तक नींबू भी ओरिजिनल नहीं है। मतलब कि अगर साइंटिस्ट्स को हाइब्रिड बनाने का आइडिया नहीं आता तो फिर हम लोग वही खाते हैं, पर साइंटिस्ट्स के चलते हम लोग नींबू खा पा रहे हैं। और नींबू अस्तित्व में आया बीटर ऑरेंज और सिट्रोन को मिला के। और मेरे ख्याल से आपने सिट्रोन तो कभी दुनिया में टेस्ट किया आप तो देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये फैक्ट कोई बताता ही नहीं है। और एट लास्ट जो ग्रेप फ्रूट होता है वो पमेलो और स्वीट ऑरेंज को मिलाकर बनता है।